सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता अभी तक बहाल नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी वो अन्य राज्यों में जाकर लोगों की मजबूरियों को समझते हैं, उनकी मदद करते हुए नजर आते हैं, उनके काम में उनका हाथ बटाते हैं, तो कभी मणिपुर जाकर रोती बिलकती महिलाओं का सहारा बनते हैं। राहुल गांधी लगातार सच की आवाज को उठाते हुए संसद के बाहर जैसे संजय सिंह दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे ही राहुल गांधी भी अपनी आवाज उठाते हुए मणिपुर पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। अब राहुल गांधी का जो मामला है वो गुजरात से हटकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से जो राहत राहुल गांधी को मिलती है वो इस तरीके से देखी जा रही है कि आने वाली सुनवाई में राहुल गांधी को ये छोटी सी राहत बड़ी बड़ी राहत में बदलती हुई नजर आएगी। दरअसल आपको बता दें कि जो बीते कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को लेकर मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में कहा गया था कि पुणेश मोदी ने जो सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल राहुल गांधी के खिलाफ की थी, उस याचिका के खिलाफ पुणेश मोदी को अब सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है। उन्हें नोटिस जारी किया गया है कि आपने किस बिना पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, उनके खिलाफ याचिका दाखिल करवाई। इसी संदर्भ में और इन्हीं संदर्भ में सबूत देते हुए पुणेश मोदी को नोटिस भेजा गया है कि उनको बकायदा सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और वहां पर सच बताना पड़ेगा। अब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी को राहत दी है कि पुणेश मोदी अभी तक ये दिखाई दे रहे थे, उन्होंने मानहानि का केस गुजरात हाई कोर्ट में सूरत कोर्ट में दर्ज करवाया, उसके बाद ये मामला गुजरात हाई कोर्ट तक गया और उसके बाद पुणेश मोदी ये कहते हुए भी नजर आए थे कि मुझे दोबारा राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये फटकार है उन लोगों को जो जानबूझकर यहां पर राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानबूझकर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बिना पर आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर जो पुणेश मोदी ने जो हमला किया वो हमला कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट में हटता हुआ नजर आएगा। इसी उम्मीद को लेकर राहुल गांधी भी अपनी तरफ से बयान जारी करते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से उनकी संसद सदस्यता को यहाँ से हटाया गया, किस तरीके से लोकसभा के स्पीकर ने एक झटके में यहाँ पर संसद सदस्यता को रद्द कर दिया और क्या कुछ यहाँ पर बड़ी साजिश को यहाँ पर उनका खुलासा करते हुए राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया, अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर
मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। जैसे कि आपने राहुल गांधी को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो यहाँ पर अब चुनाव आयोग का भी बड़ा कदम एक तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 6 महीने का समय दिया था। राहुल गांधी को लेकर ये कहा था कि अभी हम आपके चुनाव लड़ने या ना लड़ने पर फैसला नहीं सुना सकते हैं, अभी आपके पास समय है, आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जिस तरीके से कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाई थी, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट से बार बार झटका मिल रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं मानी थी। राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर भी गए थे और बहुमत के साथ कांग्रेस कर्नाटक में जीतती हुई नजर आई थी, डबल इंजन की सरकार वहाँ पर हार गई थी। उसके बाद राहुल गांधी को लेकर जो चुनाव आयोग का जो कदम था, ये कदम बहुत सराहनीय माना जा रहा था, अब वही कदम यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर उठाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई यहाँ पर अगस्त के महीने में होती हुई नजर आएगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुनीश मोदी के खिलाफ कदम उठाते हुए यहाँ पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाती है, 2 साल की जो सजा सुनाई गई थी उस सजा से बाइज्जत बरी हो जाते हैं और यहाँ पर राहुल गांधी को जमानत मिल जाती है, तो सीधे तौर पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस हो जाएगी और चुनाव लड़ने का जो फैसला राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले किया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो फिर से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। अब चुनाव आयोग जाने की बात राहुल गांधी भी करते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस भी करती हुई नजर आती है कि अभी उनके पास समय है, वो अभी से हार नहीं मान सकते हैं, यहाँ पर जब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस नहीं आ जाती है। तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर इर्द गिर्द घूम रहा है राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर, चुनाव आयोग के फैसले को लेकर, अब क्या यहाँ पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी, राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, राहुल गांधी को जो ये बहुत बड़ी राहत अगले महीने मिलती हुई नजर आएगी, क्या इसको यहाँ पर पक्का मान लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से फैसला सुनाया गया है वो फैसला अगली सुनवाई में बहुत बड़ी राहत दे सकता है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, क्या वाकई यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जो फैसले की बात कही जा रही है अगली सुनवाई में डीवाई चंद्रचूड़ क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर पाएंगे, राहुल गांधी की जमानत याचिका जिस तरीके से दी जा रही है राहुल गांधी को जमानत मिल पाएगी, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।